नमस्कार, आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स, आपके साथ मैं रागिनी श्रीवास्तव। रिसेंटली का एक मामला जो सबके संज्ञान में है, कुरिया कला में आग लगी थी। उस आग से निजात पाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की जान बचाई, जिसमें सबसे पहला जब नाम आता है तो बिपिन शुक्ला सर का आता है। अभी उनको वीआईपी ग्रुप के वीआईपी मेंबर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो उनसे जानते हैं कि जब उन्होंने लोगों की जान बचाई थी उस टाइम उनके जहन में क्या आ रहा था। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। तो सर, जब ये एक जो एक्सीडेंट कह लीजिए जो हुआ था, तो आपको तब उस टाइम जो सडनली पता चला, तो कैसे आपने सब संभाला? देखिए मैडम, ऐसा है कि जैसे ही हमको पता चली कि हमारे चौकी क्षेत्र में आग लगी हुई है, तो उस समय तो हम लोग क्षेत्र में थे, लेकिन हम लोग जैसे ही आग की सूचना मिली तो हम लोग, मैं और हमारे यहाँ की जो फोर्स थी उपलब्ध, उसको ले कर जब हम लोग खेतों पर पहुँचे तो आग जो है शुरुआती ही दौर था, लेकिन इतनी अधिक लंबाई में आग लगी हुई थी कि बिना जो है मेहनत की उसको बुझाया जाना संभव नहीं था। हमने, हमारी टीम ने और ग्राम वासियों के सहयोग से उस आग को बुझाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। करीब 1.5 घंटे संघर्ष के बाद वो आग जो है बुझ पाई। जिस जगह पे आग बुझी, अगर उससे वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाती तो उस आग का बहुत विभत्स रूप होता, और ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में शायद किसी की फसल सही नहीं बचती। तो सर, एक क्या एक अहम मुद्दा रहा आग लगने का? आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल सका वहाँ पे। हो सकता है किसी भी कारण से आग लग सकती है, या हो सकता है किसी की भूल से लग सकती है, क्योंकि आबादी के पास के खेत हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा सुनने में आया कि किसी ने सिगरेट जलाया था, जिस वजह से वो आग लग गई, इसकी जानकारी है सर आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी जो है वहाँ पता नहीं चली। फायर ब्रिगेड की भी टीम आई हुई थी, उन्होंने भी तलाश किया, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी। तो सर, आपने इतना सराहनीय कार्य किया है, आग बुझाने के टाइम पे आपको क्या अनुभव हो रहा था, कैसा लग रहा था, क्या आपको भी कोई नुकसान हुआ है? देखिए, आग बुझाने के समय तो केवल एक ही उद्देश्य था कि इस आग को किसी तरीके से जल्दी बुझा लिया जाए, क्योंकि जो किसान है वो बहुत ही मुश्किल से दिन रात की मेहनत करके किसी तरीके से अन्न पैदा कर रहा है, और जब आग लगती है खड़ी फसलों में, किसी कोई कारण कोई भी उसके पीछे हो, जब उसका नुकसान हो रहा होता है, तो उस नुकसान को बचाने के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा था। उसी में थोड़ा सा प्रयास हमने भी किया, और हमारे कहने पर गांव के बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग किया। पूरी एक टीम भावना की नीयत से हम लोगों ने काम करके उस आग को बुझाया। आग को बुझाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं था, केवल इतने उद्देश्य था कि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। तो सर, अभी जो वहाँ पे जो जैसा माहौल बन गया उसके बाद, तो आपने लोगों को क्या समझाया है, किस तरीके से वो अपने आप को निकाल पा रहे हैं इस एक्सीडेंट के बाद? देखिए, आग लग जाने के बाद हमने जगह जगह छोटी छोटी जो है एक प्रकार से प्रचार करने के लिए मीटिंग की लोगों के साथ में, कि वर्तमान समय में गेहूँ की फसल खेतों में पकी खड़ी हुई है, और फसल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो इसके लिए आप लोग आग, जैसे बीड़ी, सिगरेट या घर के चूल्हे की आग, इसको जो है काम के बाद तत्काल बुझा दें। अगर यह आग किसी के भी खेत में पहुंचेगी तो वो बहुत भीषण रूप ले लेगी, उससे बहुत नुकसान होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कई एक गाँव में हम लोगों ने कैंपेन किया है, और लोगों को सजग रहने के लिए भी जो है सलाह दी। तो आप ऐसा कैंपेन चला रहे हैं कि आगे ये नुकसान किसी को देखना ना पड़े? हाँ बिल्कुल, इस तरीके के जागरूक करने के लिए लोगों के गांव-गांव में जाके हम कैंपेन चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे विपिन शुक्ला सर, जिन्होंने आग पे काबू पाया अपनी जान की परवाह किए बिना। और अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ कैमरा पर्सन शादान के साथ, मैं रागिनी श्रीवास्तव, रागिनी टाइम शाहजहांपुर।